पूज्य सिंधी पंचायत नीमच के तत्वावधान में सिंधी समाज के सभी संगठनों द्वारा अमर शहीद हेमू कॉलोनी के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा आज स्थानीय सिंधी कॉलोनी स्थित अमर शहीद हेमू कॉलोनी चौराहे पर रखी गई, जिसमें सभी समाजजनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शहीद हेमू कॉलोनी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की। बता तो चले कि हेमू कॉलोनी ने मात्र 19 वर्ष की आयु में आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस दौरान पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष मनोहर अर्जुनानी, उपाध्यक्ष ईश्वर आहुजा, नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, राजकुमार मंगवानी, भगवान दास प्रेमानी, जीतू तालरेजा, संतोष प्रेमानी, गजेंद्र चावला, मोम लालवानी, दिलीप लालवानी, सोनू लालवानी, किशन अंदानी, नंदलाल मालानी, जीतू तलरेजा, सुरेश आहुजा, राजेश सोनी, पूरन रामचंदानी, लक्ष्मी प्रेमाणी, पूजा केवलानी, मीनू लालवानी, दिव्या लालवानी, सिमरन सोनी, सपना लालवानी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उनका शहीद दिवस प्रति अनुसार हम यहाँ मनाते हैं 21 जनवरी को, उसी का प्रोग्राम रखाया गया था। वो करीब करीब आज से 80 साल पहले शहीद हुए थे, 43 में हुए थे, 80 साल उनको शहीद हुए हुए हैं और प्रति वर्ष अनुसार इस साल मनाते हैं और 23 मार्च को उनका जन्मदिवस मनाते हैं, इसलिए सभी समाजन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पंचायत की तरफ से शहीद हेमू कॉलोनी की श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। हम सभी समाजजन मिलकर यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हेमू कॉलोनी चौक पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए प्राणों न्यौछावर कर दिए। जब उनको फांसी की सजा हुई तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि मेरा भारत भूमि में वापस जन्म हो, और अपने जो उनके साथियों का जो उनका नाम बोलने के लिए बोला गया था, सिंध प्रांत में एक पेटिशन दायर हुई थी जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब वायरस ऐसे उन्होंने कहा था कि पेटिशन ने कहा था कि इनको फांसी की सजा नहीं दी जाए, बस शर्त एक रखी थी कि जो इनके साथी थे उनका नाम बता जाए, पर शहीद हेमू कॉलोनी ने अपने साथियों का नाम न बताकर खुद फांसी पर चढ़ना स्वीकार किया। इस वजह से 19 साल की उम्र में ही उनको फांसी की सजा हो गई थी। तो देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम हितम, देश रक्षा परज्ञा दृष्टो नैव च नित्यम, मतलब देश रक्षा परम धर्म है, परम पुण्य है, परम यज्ञ है, और यह सर्वोच्च कार्य है। और आज हमारी देश रक्षा के मायने बदल गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण करें, पेड़ लगाएं और यातायात के नियमों का पालन करें, मोबाइल में जो ईयरबड लगा के बच्चे चल रहे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, तो हम ऐसे कोई भी काम न करें। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।